राधे राधे फ्रेंड्स, जब तक कोहरा ना आ जाए तो लगता नहीं सर्दी पड़ रही है, तो कोहरा जबरदस्त पड़ रहा है और कोहरे में गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या कहना फ्रेंड्स। तो सुबह के करीब इस समय 8:30 बज रहे हैं। कुछ लाइफ में कभी कभी शॉर्टकट ले लेना चाहिए यदि आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। किचन के काम तो आप कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, आप मान के चलिए। तो डेली टू डेली आप मॉपिंग करते हैं घर में, डस्टिंग करते हैं, पर कभी कभी जो हमारे किचन के काम होते हैं यदि आप टाइम से पहले कर लेते हैं तो ये शॉर्टकट नहीं होता है, ये थोड़ा सा टाइम को आपने सेव किया है। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर में। जो वेजिटेबल्स हैं इनको टाइम से पहले ही छील कर रख लेती हूँ ताकि अगली मॉर्निंग के लिए मुझे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम फैलता है वो फ्रेंड्स सुबह के वक्त में फैलता है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, बच्चों का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसी समय यदि ये आप एक्स्ट्रा काम करने बैठते हैं तो टाइम लेते हैं। इन सब टाइम कंज्यूम वाले कामों को यदि आप थोड़ा सा पहले कर लेते हैं तो ये शॉर्टकट नहीं होता है। और मैंने मटर को छील कर रख दिया है ताकि आराम से जब भी किसी को मटर की सब्जी खानी हो तो मैं आराम से बना सकूं। ये नहीं है कि मुझे अभी पहले मटर छीलनी है फिर सब्जी काटनी है या बनानी है। तो कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा शॉर्टकट चलता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो गए हैं, ये थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं आपकी लाइफ को। और आज हमारे घर में बनेंगे गोभी के पराठे। तो मैंने गोभी को भी पहले से ही कट करके रख दिया है। अगर गोभी की सब्जी का मन करेगा तो मैं गोभी की सब्जी भी बना लूँगी, पर नाश्ते में आज कोशिश कर रही हूँ कि गोभी के पराठे बनाऊँ। तो मैंने उतनी ही गोभी काटी है जितनी हमारे मतलब परिवार के हिसाब से है, और सुबह सुबह के लिए मैंने सिर्फ 4 या 8 पराठे जो भी बनने हैं हमारे घर में नाश्ते के लिए, उतनी ही गोभी को मैंने कद्दूकस किया है, क्योंकि रखे हुए पराठे जो होते हैं वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते हैं। और सर्दियों का तो सबसे बड़ा एंजॉय इसी बात का है कि गर्मा गर्म कुछ चीज खाई जाए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज रहे, मगर एक ऑर्गेनाइज घर बनाने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कुछ शॉर्टकट्स की ज़रूरत होती है, एफिशिएंट और एफर्ट्स इन सब की भी ज़रूरत होती है। और ये डेफिनेटली एक दिन का काम नहीं होता है कि आपने आज सोचा और आपके अंदर ये सारे गुण आ गए, नहीं, ये धीरे धीरे आपके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे घर में बन रहे हैं गोभी के पराठे, और इसके लिए घर फैल जाता है क्योंकि इतनी सारी सब्जियों को मैंने कट करा है, ग्राइंड करा है, तो काउंटर के ऊपर सारा सामान आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं देखिए खाना बनाने का ही काम करूंगी, उसके बाद मेरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट होगी। तो घर जब फैल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी काम नहीं करा है, इतने सारे कामों को समेट कर, जो फैले हुए काम थे, बड़े काम हैं, आपने उन्हें समेट कर एक छोटे से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया है। भाई 1 किलो मटर कितनी सारी होती है, आपने उसे छील के एक छोटे से डिब्बे में भर लिया है, तो ये छोटा सा ही तो काम हुआ। और चलिए मटर की बात छोड़ते हैं, गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाते हैं। और गोभी के पराठों को जब भी आप बनाएं वही प्रोसीजर रखें जो आप मूली के पराठों को बनाने में रखते हैं। इट्स मीन मैं ये कहना चाहती हूँ, गोभी को जब आप कद्दूकस कर लें तो उसे कपड़े में भरकर उसे दोबारा से निचोड़ना है। इससे क्या होता है, गोभी का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा, नहीं तो ये एक्स्ट्रा पानी नमक डलते ही और भी ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी गोभी, और जब आप पराठे बनाएंगे तो गोभी के पराठे फटने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आज आपके साथ शेयर की है, कभी आप गोभी के पराठे बनाओ तो इस प्रोसीजर को यूज़ करके देखना। और
और ये कहते हैं यदि आपका सुबह का नाश्ता हेल्दी होता है तो आप दिन भर अच्छे से काम करते हैं। रात के वक्त में आप हल्का नाश्ता करें या रोटी खाएं, हल्का करें, लेकिन सुबह के वक्त में आप कैसा भी नाश्ता करें, कुछ हैवी करें और हेल्दी करें। ये नहीं कि ब्रेड खाकर चले गए, कभी कभार हो जाता है, पर कोशिश कीजिए कि आप हमेशा रोटी खाएं या चावल, अगर आप लोग खाते हैं तो चावल खाएं, मतलब एक हेल्दी नाश्ता करिए। और मैं सबको ऑफिस भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, कॉलेज भेजने के बाद लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए। और डेली रूटीन के काम में मेरा सबसे पहला काम आता है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ सुबह की मलाई शाम को यूज़ करूँ और शाम की मलाई सुबह को, और जो बच जाती है मक्खन घी बच जाता है उसको मैं फिर स्टोर करती रहती हूँ ताकि अगले दिन के लिए या एक हफ्ते बाद जब स्टोर हो जाएगा तो मक्खन घी से मैं घी बना सकूँ। और फ्रेंड्स, सारे काम करने के बाद एक कप चाय का एंजॉय लेते हुए बाहर का व्यू देखा तो सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा है 10-15 दिन अभी कोहरा खूब दबा कर पड़ेगा। और अपने किचन की सबसे पहले काम करूंगी मैं किचन को समेटना, क्योंकि फैली हुई किचन और भी भारी लगती है। यदि आपका किचन काउंटर छोटा है, बड़ा है, ये बात मायने नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा जो बात मायने रखती है, आप काउंटर पे कितना सामान रखते हैं। और एक रसोई को संगवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। आप जितना स्पीडली काम करेंगे उतनी जल्दी आप अपना टाइम बचाएंगे, जल्दी से काम ख़त्म कर पाएंगे। वरना एक ऐसे भी हालात हो जाते हैं कभी कभी कि पूरा दिन आप किचन में लगे रहें लेकिन किचन के काम ख़त्म नहीं होता है। यदि आप अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं तो आपको स्पीडली थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा। हर काम को थोड़ा सा स्पीडली करें तो टाइम ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले काउंटर को साफ करते ही छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए बर्तन साफ करने हैं, और बर्तन साफ करते ही समझ जाओ आपका किचन बिल्कुल से क्लियर हो गया है। और बेसिक से काम जो होते हैं, जैसे कि दूध गर्म करना, आज मैं आपको बता दूं मैंने दूध अभी कढ़ाई में क्यों डाला है। दूध तो नॉर्मली आप बर्तन में गर्म करते हैं जो भगोना होता है, पर आज मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा निकाल दूं, तो ये काम स्टार्ट करूंगी मैं पूरे घर का काम निपटाने के बाद। अभी तो फोकस मेन काम को ख़त्म करने का ही है। और जब आप किचन को साफ कर लें तो जो किचन के वाइप्स होते हैं उनको आप हमेशा सुखा कर रखें, डेली वॉश करें और धूप में सुखाएं, तो इससे किचन में हमारे बदबू खड़ी नहीं होगी। और टोटल घर का काम निपटाने के बाद अभी भी देखिए 2 बजने वाले हैं, 1:34 हो रहे हैं, और फ्रेंड्स अभी भी धूप नहीं निकली थी। समय 2 बजने वाले हैं, दिन के 2 बजने वाले हैं। घर का टोटल काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो की शूट करने के लिए, ताकि आपके सामने कुछ ना कुछ तो वीडियो आज की भेजनी है। और आज बना रही हूँ थोड़ा सा कार्तिक की फरमाइश पर गाजर का हलवा। भाई सर्दियां जोरों की पड़ रही हैं, मेरठ में तो इस समय देखिए 2 बजने वाले और सूरज के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। सूरज कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। गाजर पहले ही धोकर रख दी थी और इसके नीचे एक कपड़ा भी लगा दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा पानी की वजह से गीला रहता है और नमी बहुत ज्यादा होती है मौसम में। तो मुझको हर चीज ड्राई पसंद है, इसलिए मैं किचन काउंटर के पास इतने सारे कपड़े रखती हूँ ताकि हर चीज सूखी हुई रहे। तो गाजर मैंने पहले ही धोकर रख दी थी, अब बस इन्हें अच्छे से कद्दूकस करना। देखिए कितनी अच्छी अच्छी गाजर हैं लाल, और सर्दियों का सबसे अच्छा मौसम होता है, आप सब कुछ खा सकते हैं। तो
तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था, लो फ्लेम पे दूध को गर्म कर रही थी। और अब मैं गाजरों को कस दूंगी जल्दी से, क्योंकि कार्तिक आएगा 2:45 बजे के आसपास स्कूल से, और मैं चाहती हूँ उसको गर्मा गर्म गाजर का हलवा दूँ। भाई किचन का काम करना है तो ये सब चीज़ें तो अपने यूज करनी ही है, क्योंकि अभी अभी सारे साफ कपड़े पहन के आए हैं नहाकर, और फिर से किचन में लग जाना है। किचन के काम कभी खत्म नहीं होते हैं। तो गाजर, तो मैंने अपना ड्रेस पहन ली है, अब मैं गाजर कसती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे हैंकी हैं जो कभी भी गर्मियों में यूज नहीं होती, क्योंकि इनका कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता है। शुरू में तो हमने खरीद ली, मुझको पता नहीं था ये इस तरीके के हैंकी निकलेंगे। अब इन हैंकी को फेंक तो नहीं सकती थी, एक हाउसवाइफ किसको कहते हैं जो पुरानी चीजों का भी यूज कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके की सारी हैंकियों को किचन में यूज करना शुरू कर दिया है, और अभी गाजर कसेंगे। गाजर कसने का काम मैं ज्यादातर कार्तिक को देती, पर कार्तिक स्कूल में गया हुआ है और मुझे ये काम कार्तिक के आने से पहले ही करना है। मैं छोटे मोटे काम बच्चों से करवा लेती हूँ, इससे दो बेनिफिट मिलते हैं मुझे। एक तो बच्चे धीरे धीरे काम करना सीख जाते हैं, और दूसरा उन्हें ये सब चीजें पता चलती हैं। भाई इस काम को यदि हम ज्यादा तेजी से करेंगे तो उनका हाथ भी कट सकता है। धीरे धीरे बच्चे हर चीज को सीखते हैं। तो हमारी गाजर कस के तैयार हो गई हैं। जब दूध बॉईल हो जाए और काफी खदक कर उसका मतलब क्वांटिटी कम रह जाए, तब आप बॉईल दूध में गाजर डालिए। इस तरीके से यदि आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो इस गाजर के हलवे में बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने मार्केट से बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा मंगवा कर खाया है, जैसे शादी बारात में मिलता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। क्योंकि गाजर अभी दूध के अंदर पकेंगे, और घर का दूध है, घर का मावा निकल रहा है, तो प्योरिटी तो पूरी है। और गाजर का हलवा बनने में अभी कम से कम 1 घंटा पूरा लगेगा, लेकिन 1 घंटे के बीच में मुझे किचन के अंदर कुछ ऐसे काम भी करने हैं। किचन में डाइनिंग टेबल पे बैठकर या ऊपर गार्डन में चली जाऊं, मतलब फोकस रहेगा किचन में कि भाई गाजर का हलवा बना रही हूं, और दूसरे काम भी साथ साथ में करने हैं, जैसे कि टू डू की लिस्ट तैयार कर लेनी, या ग्रोसरी का कोई काम है वो लिख के पहले ही नोटिस कर लेना। तो यदि ऐसे कुछ काम होते हैं जिन कामों को करने से आपका टाइम लग रहा है, तो उस समय आप कुछ ऐसे काम पकड़ लीजिए जो वहाँ पर खड़े होकर कर सकते हैं। जैसे किचन में अभी आपका एक माइंड, आपके माइंड में ये बात चल रही है कि भाई गाजर का हलवा किचन में बन रहा है, गैस ज़्यादा तेज ना हो जाए, निकल ना जाए दूध बाहर, तो आपका एक फोकस वहाँ पर है, तो उसी समय आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे किचन के काम होते हैं, तो ऐसे ही मैंने अपनी ग्रोसरी का काम करना शुरू कर दिया। भाई ग्रोसरी में क्या क्या सामान ख़त्म हो गया है, और फिर देखा कि अभी गाजर के हलवे को बनने में काफ़ी टाइम है, तो रात जो मूंगफली आई थी उनको कंटेनर में डाल देना। ऐसे बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जो हम किचन में खड़े होकर भी कर सकते हैं। इट्स मीन मैं कहूँ एक पंथ दो काज करना, ये एक हाउसवाइफ के हाथ में अच्छे से होता है। वो अच्छे से जानती है कि मुझे कब क्या काम करना है। और साथ में मैंने दोपहर के खाने में मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, तो दोनों काम चलते रहेंगे। भाई फ्रूट्स भी खाने हैं मुझे, और गाजर के हलवे में बार बार चमचे को घुमाना भी है। यदि नहीं घुमाएंगे तो दूध कहीं ना कहीं बॉईल होकर बाहर निकल जाएगा। और भी बहुत सारे किचन के ऐसे काम होते हैं। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ये किचन के काम ख़त्म हो जाएं, पर किचन के काम ऐसे होते हैं आप कितनी भी जल्दी कर लीजिए नहीं होते, कुछ टाइम लेते ही हैं। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए ऊपर आ गई पौधों को देखने के लिए। ये देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, पाला पड़ रहा है फ्रेंड्स अभी, और पाले में कोहरे में ये जितने भी सुंदर फूल हैं ये सब मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो यदि इनकी केयर करनी है आप दिन भर इन्हें बाहर रखिए, रात में इन्हें अंदर करके सोइए, तो आपके फूल भी नहीं मुरझाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आ गई नीचे फिर से गाजर का हलवा देखने के लिए। काफ़ी इसकी
दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, देखिए कितना गाढ़ा होने लगा है। गाजर का हलवा बनाते हैं तो बाहर की तरफ कुछ छीले आती हैं, इसके लिए मैं आज आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ना आपका हाथ जलेगा, एक प्लेट लेनी है, एक हैंकी लेना है और कुछ भी नहीं, देखिए बिना खर्चे पानी के हैंकी सबके घर में होता है, प्लेट सबके घर में होती है, कपड़ों को सुखाने वाली प्लेट भी सबके घर में है। तो इन चारों कॉर्नरों को हम एक क्लिक से बाइंड कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हैंडल का काम करेगा कुछ समय के लिए। और ये जो छींटे आ रही हैं भाई, यहाँ पर बाहर गिरेंगी तो आपको जब भी गैस साफ करनी है, कपड़े को भी धोना होता है, तो इससे अच्छा है भाई आपका हाथ ना जले, आप बीच बीच में इसे ऐसे ढकते रहें, तो जो छींटे आएंगी वो कपड़े के ऊपर आएंगी। और बार बार चलाना होता है, चलाइए, जब चलाते हैं तो ऑटोमेटिक छींटे कम हो जाती है उस समय। ये देखिए अभी मैंने रोक दिया है, फिर छींटे अब इसके ऊपर आएंगी, हमारा ये वाला पोर्शन बच जाएगा गंदा होने से या गैस बच जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी ये ट्रिक। और बार बार चलाते जरूर है ना, जब गाजर का हलवा बनने वाला होता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कहीं लग ना जाए, क्योंकि पूरी मेहनत तो आपने कर ली, उसे चला लिया लेकिन लास्ट टाइम में ये देखिए छींट आ गई है। पूरे टाइम तो आपने मेहनत कर ली, लास्ट टाइम में अगर लग गया गाजर का हलवा नीचे तली में तो पूरा टेस्ट बेकार हो जाएगा। बस इसे 5 मिनट और पकाना है, फिर हम इसमें चीनी और अपने ड्राई फ्रूट्स। बस इतने से ही काजू और इतने से ही बादाम डालेंगे। गाजर ऑलमोस्ट तैयार, गाजर का हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार, आप चीनी डालना, आप तेज मीठा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग डालना, और जो भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने काट के इसमें डाल दिए। अभी चीनी पानी छोड़ेगी, तो फ्रेंड्स बस इसको इसी समय ध्यान देना आपको। और ये जो हमने बनाया था ये भी काम आने वाला है, क्योंकि ये छींटे देगा तो गैस मंदी कर दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। थोड़ा सा 5-6 मिनट का काम है ये, लो फ्लेम पे चीनी का पानी भी खत्म हो जाएगा और आपका गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है और मैं थोड़े से फलों को काट कर रख देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ 24 घंटे में एक बार तो बच्चों को कुछ भी फल दूँ, चाहे वो अमरूद हो या संतरा हो या फिर आपका कोई भी फ्रूट हो, अनार हो। तो अनार 2 दिन पुराने हो गए थे, वो मैंने खा लिए हैं। मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ ताज़े फल ही दूँ। तो अमरूद आए हुए थे और अमरूद सर्दियों में खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, और ये कैड़े कैड़े अमरूद हैं, बच्चे मुलायम अमरूद कम पसंद करते हैं, तो बस मैंने काट कर रख दिए हैं, बच्चे आते ही कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें, तो एक अमरूद में दोनों बहन भाई हो जाएंगे, हल्की सी भूख ख़त्म हो जाएगी उन दोनों की। और इतनी देर में मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तैयार कर दूंगी, क्योंकि आज सुबह गोभी के पराठे बनाए थे तो आस्था ने सिर्फ एक ही पराठा खाया था, गोभी के पराठे उसने पहली बार ही खाए हैं। और सही बताऊं मायने में तो फ्रेंड्स, मैंने भी गोभी के पराठे पहली बार लाइफ में खाए हैं। हमारे यहाँ पर गोभी बहुत कम खाते हैं, और कार्तिक आ गया है स्कूल से, तो मैंने उसका सबसे पहले तो चॉकलेट वाला दूध बना दिया है। कार्तिक स्कूल से आते ही चॉकलेट वाला दूध मांगता है, और उसी के साथ मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा कार्तिक को दूंगी। और कार्तिक ये कह रहा है कि मम्मी जल्दी दे दो, भूख लग रही है। और फ्रेंड्स होता भी ऐसा ही है, बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं उनसे रुका नहीं जाता, उन्हें भूख लगती है बहुत तेज। और एज ए पेरेंट्स हमें अच्छे से ये पता रहता है कि बच्चों को मतलब जितना हो सके उनकी खुशी के अकॉर्डिंग ही खाना देना चाहिए। यदि उन्हें दूध की भूख है तो दूध दे दीजिए, यदि रोटी खाने की इच्छा नहीं है दोपहर में तो कोई बात नहीं, रोटी बाद में खा लेंगे, अभी दूध पीने की इच्छा है तो दूध दे दीजिए। और मैंने फोर्स नहीं करा, बच्चों ने फ्रूट नहीं खाए हैं, कार्तिक ने आते ही दूध मांगा। और ये देखिए ये दोनों बच्चे लग रहे हैं मेरी किचन में, बच्चों ने आज जैसे ही आस्था कॉलेज से आई और आस्था की फ्रेंड भी आई थी तो
दोनों बच्चों ने कहा आंटी हम बनाए, मैंने कहा ठीक है बच्चों तुम्हारी मर्जी है। तो दोनों फ्रेंड्स ने अपने आप किचन में कुछ बनाया, तो मैंने भी खाया बच्चों के हाथ का बनाया हुआ चीला। और आस्था भी इसलिए किचन में लगी क्योंकि आज आस्था की मनपसंद आलू पराठे नहीं बने थे, आज बने थे हमारे घर में सुबह गोभी के पराठे। तो गर्मा गर्म तो आस्था ने गर्म गोभी का पराठा खा लिया था, लेकिन शाम को दोपहर में आते हुए आस्था ने साफ कह दिया मम्मी मैं नहीं खाने की। और खाना शाम का खाना बनाने में अभी टाइम था, तो बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चों ने बनाया चीला और मैं नीचे नेबर में थोड़ी सी देर चली गई थी। तो ये देखिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बच्चों को भूख लग रही है अगर वो अपने आप कुछ किचन में करते हैं तो ये अच्छी बात होती है। भले ही आपकी किचन फैल जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने किचन में कुछ तो काम करना सीखा। और ये छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। और फ्रेंड्स अभी घर पर कोई आए थे, घर पर कौन आए थे मतलब मेरी छोटी बहन की सास आई थी ये देखिए, और वो मेरे लिए लेकर आई हैं मेथी के लड्डू। और मेथी के लड्डू थोड़े से कड़वे होते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दिए हैं, और जब वो खाएंगे तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। ऐसी बात नहीं है मुझे मतलब मेथी अच्छी नहीं लगती है। और फ्रेंड्स ये करती हूँ अब मैं अपनी वीडियो का लास्ट, मैं बना रही हूँ एक कुशन का कवर अपने हाथ से, हैंडलूम जिसको बोल देते हैं क्रोशिए का। तो ये चीज़ आपको मिलेगी अभी कम से कम एक महीने बाद, क्योंकि आज तो अभी ये एक हफ्ते का काम हो चुका है और कम से कम अभी से एक महीना और लगेगा। पूरा घर का टोटल काम करती हूँ, फिर 10-5 मिनट बचती हैं मेरे पास जब मैं इसे बनाती हूँ। तो अब करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं अब बाय बाय, कुछ बातें अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस क्रोशिए के साथ। क्रोशिए का काम फ्रेंड्स आता है मुझको लेकिन दिल से पसंद नहीं है, और वही काम करना चाहिए जो आपको दिल से पसंद हो। तो क्रोशिए का काम सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ थोड़ा सा टाइम कट जाए, कभी कभी सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो मन करता है, क्योंकि सभी लेडीज़ कुछ ना कुछ स्वेटर का बनाती रहती हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरे नेबर में, तो मेरा मन भी उनको देखकर करता है कि मैं भी कुछ बनाऊँ। तो मैंने भी ऊन मंगा ली और उनको देखा देखी अपने क्रोशिए का काम शुरू कर दिया है। तो ये कहते हैं कि जब आप किसी काम को शुरू में करते हैं तो उसको बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब वो काम फिनिश होने के टाइम पर आता है तो जब आपका मन नहीं करता है, और वही एक ऐसा टाइम होता है जब आप इसे खींच सकते हैं टाइम को, यदि आपने उस चीज़ को पूरा कर दिया तो ये एक सक्सेस की निशानी होती है।